हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एस्केल्मेंथस। इसका बस एग्जांपल्स बच रहे हैं और थोड़ी सी बॉडी वॉल के ऊपर थोड़ा सा रह गया, सो लेट्स फिनिश इट। अभी जो इतना सुंदर सा माउथ और लिप दिख रहे हैं, ये राउंड वॉर्म्स का है। तो आपको इसमें पहले तीन लिप दिख रहे होंगे पिंक कलर के, एक मिड डॉर्सल है, दो वेंट्रो लेटरल लिप्स हैं। मतलब इसकी पोजिशन की वजह से इनके नाम ऐसे हैं। और आपको नीले रंग के दांत दिख रहे होंगे जिसे हम डेंटाइन कहेंगे। और इन लिप्स और दांत की पोजीशन की वजह से आपको माउथ किस शेप में दिख रहा है, ट्राई रेडिएट ट्राइंगुलर माउथ। अब इन लिप्स के ऊपर आपको कुछ रिसेप्टर्स दिखेंगे, जैसे जो दो डॉट वाले रिसेप्टर्स हैं उसे हम टैंगो और टैक्टिक रिसेप्टर्स कहते हैं। और जो एक ग्रीन कलर का है वो कीमो रिसेप्टर है और इसका नाम है एम फेड। और आपको कुछ सिंगल पैपलास भी दिखेंगे और डबल पैपलास। जो जो टैंगो और टैक्टिक रिसेप्टर्स है वो डबल पैपलास है। टैंगो और टैक्टिक मतलब होता है टच। तो लिप्स और माउथ फिनिश हो गया। अब हम आते हैं एस्केल्मेंथस की वॉल पे, और वो वॉल कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी वेरी फोकस्ड। सो बॉडी वॉल ऑफ एस्केरस ल्यूम्ब्रिकॉइड, इसकी तीन लेयर्स होती हैं और तीनों इम्पॉर्टेंट है। देखो, आउटर मोस्ट इसकी नॉन सेल्यूलर होती है, थिक और टफ क्यूटिकल होता है आउटर मोस्ट लेयर पे। थिक और टफ क्यूटिकल क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका जो एपिडेमिस होता है वो सिंसिशियल एपिडेमिस होता है। मैंने ये टर्म जानबूझ के यूज़ किया है। सिंसिशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मसल लेयर में इसके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं। ये मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार बना लो। अब हम आए एग्जाम्पल्स में। तो पहला एग्जाम्पल है अनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, और इसे हम हुकवॉर्म भी कहते हैं। और ना इसके आगे पीछे जो मैंने नीला नीला जो बना हुआ है वो से आप पा वो पानी है। सो इसकी पोजीशन ज़्यादातर पानी में होती है, ऐसे ऐसे याद कर लो। ये मोस्ट डेंजरस राउंड वॉर्म है मैन के लिए। और ये ना एक एंटी कोएगुलेंट सिक्रीट करता है अपने सलाइवी ग्लैंड से। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है, वो केमिकल जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। मतलब इसके थ्रू आपको बॉडी में पेनिट्रेशन होगी ना तो ब्लड गिरता रहेगा। मतलब इसके इस केमिकल की वजह से जल्दी वो ब्लड वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैश बनेगा नहीं। ये ओविपेरस होते हैं, इनका एक ही होस्ट होता है जो कि मैन होता है, तो हम इसे मोनोजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं। और देखो इसका नाम है एनसाइलोस्टोमा, तो ये क्या डिजीज करेगा, एनसाइलोस्टोमियासिस। कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इम्पॉर्टेंट, इसका जो थर्ड स्टेज लार्वा है वो स्किन में छेद करके बॉडी के अंदर जाता है और ब्लड से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब समझ में आया इसके पास एंटी कोएगुलेंट क्यों है, ताकि ओपनिंग ज़्यादा देर तक खुली रहे। देखो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आ गया, बॉडी से बाहर कैसे जाएंगे इसके एग्स। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एग्स देता है और फीकल मैटर के थ्रू एग्स बाहर। देखो ये वो अब जो लोग बाहर खुले में करते हैं उसमें ऐसा होता है कि ओपनली फीकल मैटर रिलीज कर देते हैं, और ये उन जगह पे होते हैं जहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं होती और पीपल नंगे पैर जाते हैं, और यही जो लार्वा है थर्ड स्टेज ये पेनिट्रेट करके बॉडी में अंदर घुस जाता है। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है एंटोरीबियस एंटेरोबियस वर्निकुलारिस। इसे हम ऑक्सीयूरस भी कहते हैं, इसे हम पिन वॉर्म भी कहते हैं। पिन वॉर्म इसके लुक्स की वजह से कहते हैं। अब ये होता है ओविपेरस। इस ओविपेरस विविपेरिटी पे थोड़ा ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैंने देखा था। सो ये मोनोजेनेटिक है, आपको पता है मोनोजेनेटिक क्या होता है, और इसका जो होस्ट है वो मैन है। इसका नाम क्या है, एंटेरोबियस। सो ये क्या कॉज करेगा, एंटेरोबियासिस, और इसे ऑक्सीयूरेस भी कहते हैं, तो ऑक्सीयूरियासिस। ये इन्फेक्ट करता है कीकिम, अपेंडिक्स और कोलॉन। इसका मेजर सिंबल है कि आपको इचिंग सी होगी एनस के पास। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एग लेइंग होती है प्रोसीजर होते हैं वो एनस के पास ये ऑर्गेनिज्म एग ले करता है। तो जब वो एग ले कर रहा होता है तो थोड़ा
थोड़ी सी इरिटेशन होती है, इसीलिए एनल इचिंग इसका बड़ा वाला सिंबल है। अब एक नया दूसरा एग्जाम्पल है, इसका नाम है ड्रैकिनक्यूलस मेडिनेंसिस। इसे हम गिनी वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, और फायरी सनपेंट इसलिए कहते हैं, ये बड़ी जलन कॉज करता है। सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और इस वॉर्म से एक इंटरेस्टिंग जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वॉर्म इंडिया से रेडिकेट हो चुका है। ये ओवीपेरेस होता है और ये डायजेनेटिक है, मतलब इसके दो होस्ट हैं, तो पहला तो इसका मैन है, दूसरा इसका साइक्लोप्स है, वाटर फ्ली भी कहते हैं इसे। एक्चुअली ये जो वो स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स खाते हैं इस साइक्लोप्स और डैफनिया को, और ये वो हाइड्रा भी खाता है इन्हें। तो इन्फेक्शन अकर्स बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में वो इन्फेक्टेड साइक्लोप्स होते हैं। अब देखो, ये जो वॉर्म है ना, ये हमारी स्किन के नीचे रहने वाला वॉर्म है, और ये ब्लिस्टर्स बनाता है वॉर्म पे, और वो जो ब्लिस्टर जब फटते हैं ना, तो उन ब्लिस्टर में से इसके एग्स गिरते हैं। वो अक्सर जब हम स्विमिंग वगैरह कर रहे थे तब गिरते होंगे, तो पानी में गिर जाते होंगे, और वो साइक्लॉप्स ढूंढ लेते होंगे, और साइक्लॉप्स में आ गए, और फिर से साइक्लॉप्स वाला पानी हमने पी लिया, और ये साइकिल चलती रहती है। और यही है, जब ब्लिस्टर बन रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है जलन बहुत होगी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊँगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो क्या टाइम वेस्ट करो तुम लोगों का, फायरी सर्पेंट कहते हैं इसीलिए उसे। अब नया वॉर्म लेते हैं जिसे हम लोआ लोआ भी कहते हैं, और इसे हम आई वॉर्म भी कहते हैं। रीज़न तो पता ही लग रहा होगा क्यों, चलो देखते हैं ऐसा हुआ कैसे। और इनसे जुड़ी एक खास बात और है कि ये वीविपेरिटी शो करते हैं। इनके दो होस्ट होते हैं, तो ये क्या होंगे, डायजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट इसका टैबिनस फ्लाई होता है। इसे हम वेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इस फ्लाई के काटने से ये वॉर्म जाता है बॉडी में। और इसका नाम लोआ है, तो इससे लोआ लोआ है, तो इसकी डिजीज़ का क्या नाम होगा, लोएसिस। लार्वा बॉडी में कैसे घुसता है, जब कोई टैबिनस फ्लाई आपको बाइट करेगी। अब देखते हैं, अब इसके जो लार्वा होते हैं ना, वो अडल्ट बनते हैं इस पूरे ट्रैवल माइग्रेशन के दौरान, और जो अडल्ट होते हैं वो स्किन के अंदर रहते हैं, मतलब स्किन के नीचे माइग्रेशन के दौरान, और यही ऐसे माइग्रेट करते करते कभी कभी आईज में भी पहुंच जाते हैं, और इस आईज में पहुंच जाते हैं तो पेन कॉज करते हैं, और अजीब तरह की एक स्वेलिंग भी होती है। तो ये बात हमें पता है कि ये कभी कभी आँखों में आ जाता है, इसलिए हम इसे आई वॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं आगे, और वो जो मैं पेन की बात कह रही थी ना, एक स्वेलिंग हो जाएगी और एक दर्द होगा, तो इस स्वेलिंग को हम कालाबार स्वेलिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से इन्फेक्शन से कालाबार स्वेलिंग होती है, मतलब या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म से ये कॉज होती है। इसका नाम है ट्राइक्यूरिस ट्रिकीना। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बाद बस एक ट्राइकिना स्पायरलिस रह गया, फिर वी विल बी डन विद एस्केलमेंथस, फिर एनेलिडा स्टार्ट करेंगे। सो ये होता है ओवीपेरेस, मतलब इसके एग्स हम लोग लेते हैं। अब हम लोग इसके मोनोजेनेटिक पैरासाइट है और हम मैन का पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। तो हम इसके एग्स लेते हैं, और क्या बोलते हैं, ये हमारी म्यूकस को पेनेट्रेट करके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एंडोपैरासाइट भी कहते हैं, हाँ। और ये इसका नाम क्या है, ट्राइक्यूरिस ट्रिक्यूरा। सो ये ट्राइक्यूरियासिस करता है। और इसके एग्स हमारे बॉडी में कैसे पहुँचते, इसके एग्स हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर पीने से, मतलब गंदा पानी पीने से कितनी बड़ी परेशानियां हैं पीने से होता है, क्योंकि फिर फीसेस के थ्रू इसके एग्स बाहर निकलते हैं, वहाँ पे गंदे पानी में जो लोग ओपनली करते होंगे या फिर जो लोग डिस्पोज करते होंगे फीकल मैटर को पानी में, इसकी वजह से पानी कंटामिनेट हो जाता है। उसको ट्रीट करके जब पानी वाटर पीने वाले पानी में कन्वर्ट किया जाता है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें रह जाएँ और पीने के बाद हो गई डिजीज़। इस वॉर्म को इसके लुक्स की वजह से हम ऑब्वियसली वेब वॉर्म भी कहते हैं। और ये ना जैसे इंटेस्टाइन में आके हमारे न्यूट्रिशन के साथ कंपटीशन करता है कि ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने लगता है हमारा, तो हमें अपना पूरा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से ये हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को धीमा कर देता है।
अब इसे हम ट्रिकिना बॉम्बे कहते हैं, इससे होने वाले इन्फेक्शन को इसीलिए ट्रिकिनियासिस कहते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो इंसिस्टेड फॉर्म में हमारी वॉलेंट्री मसल्स में रहता है, और इसका अडल्ट फॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी वीविपेरिटी शो करता है, तो ये बताओ और कौन कौन शो करता होगा? लोआ लोआ भी शो करता है। सो ऐसे हमने एस्केलमेंथस फिनिश कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में एनेलिडा पे डालूंगी। सो टिल देन बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।